गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवांगी एंड यू आर वॉचिंग शिवी स्टाइल्स। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एलोवेरा से कैसे आप अपने बालों को स्मूथ कर सकते हो, शाइन ला सकते हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे हेयर केयर का सीक्रेट, जो आप देख सकते हो काफ़ी सही लेंथ हो गई है बालों की। और जिस टाइम मैंने हेयर कट लिया था तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, सो उस टाइम की वीडियो और अब से कंपैरिजन कर सकते हो कि यू नो बालों में ग्रोथ हो रही है, लेकिन अब इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या चीज़ें मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर के लिए। सो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा एलोवेरा। एलोवेरा इज़ अ वेरी वेरी गुड यू नो इंग्रेडिएंट फॉर योर हेयर केयर। में आप शामिल कर सकते हो इस चीज़ को। तो कैसे यूज़ करना है, मैं कैसे डेली यूज़ में ऐसे यूज़ करती हूँ या फिर कैसे हफ्ते में 1 से 2 बार से यूज़ कर लेती हूँ, तो वो सारी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइज, ये वाला जो ट्रिक है या फिर ये वाली जो टिप है मेरी, मैं ये से बहुत टाइम से अपने बालों पे यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसका रिजल्ट भी देखा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने बाल के अकॉर्डिंग एलोवेरा ले लेना है। प्योर एलोवेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन पहले आपने तोड़ के रख लिया है या 3 दिन पहले। जब आपको ये काम करना है, जब आपको अपने बालों में लगाना है, तभी एलोवेरा को आप तोड़ो, पेड़ से तभी काटना है उसे। उसके बाद आपको ये अंदर का पूरा जेल निकाल लेना है। मैं यहाँ पे 2 एलोवेरा लिए हैं क्योंकि इसका जो रस निकलेगा, जो पूरा जूस होगा, वो अप्रोक्स एक कटोरी के बराबर हो जाएगा। जस्ट एक यू नो 20 ml अराउंड होगा बस, और उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आपको ये पूरा जेल निकाल लेना है और अच्छे से उसे ग्राइंड कर लेना है। एक भी पीस रहना नहीं चाहिए उसका, बिल्कुल ये जेल की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके बाद जब ये ग्राइंड होगा तो उससे बीच में हम एक काम कर लेंगे। जितने भी हम लोगों ने ये जो एलोवेरा के पत्ते रह गए हैं या फिर जिसमें से जेल निकल गया है, इसे आपको अपने बालों में लगाना है। वो पत्ते आपको फेंकने नहीं है, ये जो पत्ते ही बोल रही हूँ मैं वैसे इन्हें, इसको अपने बालों में लगा लेना है। मतलब जितने भी हैं वो सारे बालों में लगा लें, बालों में अपनी जड़ों तक लगाना है आपको। उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें एलोवेरा में से बदबू आती होगी, ऑफ कोर्स आती है, तो वो गुड वाइब्स का ये एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑयल है, ये इसमें एक फ्रेगनेंस दे देगा और आपको बदबू भी नहीं आएगी एलोवेरा की। उसके बाद आप देख ही सकते हो कंसिस्टेंसी इसकी एकदम यू नो वाटरी हो गई है, लिक्विडी हो गई है और ना बिल्कुल भी थिक नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह है। तो इसको जस्ट आपको अपने बालों में जड़ में अप्लाई करना है, टिप में अप्लाई करना है। मतलब हर तरीके से मैं आपको बोलूँगी कि आप जितने अच्छे से इसे लगाओ, आप लगाओ इसे, क्योंकि उसके बाद जो शाइन देखोगे ना आप, तो यू विल बी शॉक्ड कि सीरियसली। मतलब आप देख सकते हो 3-4 दिन से मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। वैसे वो एनी का हैंड है तो आप ये मत सोचना ये कहाँ से आ गया। तो इसके बाद मैंने इसे टिप पे भी अप्लाई किया है, अपने बालों में एक जड़ पे अप्लाई किया है, बहुत अच्छे से अप्लाई किया है एज यू कैन सी। और आप इसे स्प्रे से भी कर सकते हो, अगर आप हैंड से लगाने में मतलब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो तो स्प्रे में भी, स्प्रे बॉटल में भी भर के और अपनी जड़ में अप्लाई कर सकते हो। कोई इशू नहीं आएगा, बहुत इजी है और बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है। आपको भी पता है एलोवेरा फेस के लिए काफ़ी अच्छा है। आपके गर्दन पे कोई पिगमेंटेशन है तो बहुत अच्छा है, एंड आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन है तो भी आप इसे डेली लगा सकते हो। बट यहाँ पे मैं हेयर के लिए बता रही हूँ, तो आपको कोई अलग से इंग्रेडिएंट नहीं लेना है, बाज़ार का कोई भी एलोवेरा जेल अप्लाई नहीं करना है। प्योर एलोवेरा जेल निकाल लेना है और उसका जूस निकाल लेना है। एलोवेरा जेल जो जूस होता है, मतलब एलोवेरा का जो जूस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो वो आपकी स्किन को यू नो हाइड्रेट करता है, जितने भी अंदर से इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्किन में उसे हटाता है, उसे रिमूव कर देता है। तो उसके बाद आपको ये 1 से 2 घंटे रखना है आपको अपने बालों में। मैंने इसे 2 घंटे तक रखा था, जिससे ये अच्छे से पेनिट्रेट हो गया मेरे बालों में, मेरी जड़ों में, और अच्छे से इसे मॉइस्चराइज कर दिया है मेरे बालों को, बहुत अच्छे से शाइन दी है। तो आपको रिजल्ट भी आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद इस तरीके का कोई जूड़ा बना लो आप, थोड़ा सा पानी निकलेगा बट दैट्स ओके। उसके बाद एज यू कैन सी गाइज मेरे मतलब मैंने यहाँ पे कोई सीरम यूज़ नहीं किया था, जस्ट मैंने वॉश किया अपना हेयर एंड आप देख ही सकते हो क्या रिजल्ट है। इवन मैंने उस दिन कंडीशनर भी यूज़ नहीं किया था एंड यू कैन सी द शाइन गाइज। और देख रहे हो आप कितने कितने सिल्की हो गए हैं मेरे बाल, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे उस टाइम अपने बाल। आई थिंक मैंने वीडियो भी शूट की थी कई सारी। सो गाइज बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे को, देख रहे हो आप, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।